अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है याददाश्त की कमज़ोरी को दूर करना या दिमाग को तेज़ करना। अक्सर ये होता है कि हमारी रूटीन में हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, या फिर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो भूल जाते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर से बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो बहुत मुश्किल से याद करते हैं, उन चीज़ें याद नहीं हो रही होती। और अगर वो बहुत मुश्किल से बहुत देर में कोई चीज़ याद कर भी लेते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए याददाश्त का तेज़ होना और दिमाग का तेज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेली रूटीन के लिए भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, और हम लोगों की भी छोटी मोटी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं, याद करते हैं, देखते हैं, या हम अपनी रूटीन में जो काम करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए याददाश्त का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ जिससे याददाश्त बेहतर की जा सकती है, उसके बाद कुछ ग़िज़ाएँ बताऊँगी और फिर एक आपको छोटा सा टोटका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कि रात को वक्त पर सोएं, और देर तक जागने से भी दिमाग कमज़ोर होता है। रात को वक्त पर सोएंगे और सुबह को वक्त पर उठेंगे तो दिमाग फ्रेश होगा। और कोशिश करें कि जो याद करने की चीज़ें हैं वो सुबह को नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद याद करें ताकि आपको याद रहें। और ये रूटीन बनाएं कि रात को वक्त पर सोना है और सुबह वक्त पर उठना है। कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। नींद कम लेंगे तो दिमाग कमज़ोर होगा, अगर नींद बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी दिमाग कमज़ोर होगा। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा इस्तेमाल पानी का सेहत के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है और हमारी जिल्द के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें लें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों। बाजारी चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ाएँ, बेकरी की चीज़ें, कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि ये दूध हज़म नहीं होती और हमारे जिस्म को उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाती जितना कि हमें ज़रूरत होती है। इसलिए अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें सादी ग़िज़ाएँ हों, बहुत ज़्यादा मुर्गन या इस टाइप की चीज़ें कम से कम खाएँ। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो गेम्स उनको कभी कभी खेलने के लिए दें, क्योंकि गेम्स खेलने से बच्चों का दिमाग दौड़ता है, सोचता है, तो वो बेहतरी की तरफ जाता है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि बड़े हों या बच्चे हों, सुबह की जो बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, फजर के बाद जो हल्की हल्की रोशनी का मौसम होता है, उस टाइप पर आप वर्जिश करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, वॉक करें, वो जिस्म को भी सेहत पहुंचाएगा और दिमाग को भी तेज़ करेगा। इसके अलावा सोते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ऐसी जगह पर सोएं जहाँ पर हवा की वेंटिलेशन हो, कोई रोशनदान हो, खिड़की हो, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर आपको मिल सके, तो उससे भी दिमाग को तकवीन मिलती है और दिमाग अच्छा होता है। इसके अलावा रोज़ाना 1 कप अगर सब्ज़ चाय पी जाए तो उससे भी हेल्थ अच्छी होती है, जिसमें ज़्यादा चर्बी पिघलती है और साथ साथ दिमाग भी तेज़ होता है। अब हम वो ग़िज़ाओं की बात करते हैं जो कि हमारे दिमाग को तेज़ करती हैं, हमारी याददाश्त को बेहतर करती हैं। उनमें फ्रूट्स में शामिल हैं केले और किन्नू, नारंगी और ग्रेप फ्रूट जो कि तुरश फल में शामिल हैं, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट, अंगूर, ये चीज़ों का इस्तेमाल करें, और शहद का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अंडे, दूध, दही, मक्खन का इस्तेमाल करें। अंडे की जर्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके लिए। और सबसे मेन चीज़ है आयरन, कोशिश करें कि आयरन अपनी ग़िज़ा से भी आप हासिल करें, और अगर ग़िज़ा से आपकी आयरन पूरी नहीं होती तो फिर आप विटामिंस की जो टेबलेट्स मिलती हैं, आयरन की भी मिलती हैं, इस तरह सीरप भी मिलते हैं, तो आप उनसे अपनी आयरन की कमी को पूरी करें, क्योंकि आयरन की कमी से जिस्म थका थका रहता है और दिमाग भी सही काम नहीं करता। विटामिंस में ABCD चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से भी जो है याददाश्त में कमी होती है। इसके अलावा एक टोटका जो मैं आपको बता रही हूँ वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, 4 मगज, बादाम, खोपरा, पिस्ता और काले भुने चने। इन चीज़ों को आप बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में ले लें, इनको अच्छी तरह पीस कर पाउडर फॉर्म में ले आएँ और रोज़ाना 1 चम्मच दूध के साथ बच्चे को दें। एक टाइम फिक्स कर लें और उसी टाइम पर रोज़ाना 1 चम्मच दूध के साथ बच्चे को दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप बच्चे के अंदर बहुत वाज़े फ़र्क देखेंगे, उसकी याददाश्त में भी बेहतरी आएगी, उसको जल्दी याद होगा, भूलेगा नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक दीजिए और नीचे लगे रेड बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, और इसके साथ लगे हुए बेल के निशान पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी डेली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा।
नीचे लगे रेड बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चाहे तो वीडियो के सेंटर में जो लोगो है इसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।